सब्सक्राइब कीजिए टेक्निकल टिप्स को और साथ ही बेल का आइकॉन प्रेस करें ताकि लेटेस्ट अपडेट आपको मिल सके। अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, मेरा नाम जाहिद है और आप देख रहे हैं टेक्निकल टिप्स यूट्यूब चैनल। दोस्तों आज की वीडियो काफ़ी अहम है और मैं आज आपको बताऊंगा कि आपके मोबाइल की बैटरी क्यों ख़त्म हो जाती है और उसमें क्या ख़राबी आ जाती है। मोबाइल फ़ोन की बैटरी ख़त्म होने की एक बड़ी वजह, बहुत से दोस्त मोबाइल को चार्जिंग पे लगा के यूज़ करते हैं जो उसके लिए काफ़ी ख़तरनाक होती है, तो ऐसा करने से भी बैटरी जल्दी ख़त्म हो जाती है। मोबाइल को चार्जिंग के वक्त यूज़ करने से आपका मोबाइल काफ़ी हीट अप हो जाता है और इस तरह उसकी बैटरी लाइफ बहुत कम हो जाती है। कभी भी आप अपने मोबाइल को चार्जिंग पे लगा के यूज ना करें क्योंकि इससे आपकी बैटरी के जल्दी ख़त्म होने के काफ़ी चांस हैं दोस्तों। और आप दूसरा ये काम करते हैं कि आपका मोबाइल किसी और कंपनी का होता है और लेकिन आप किसी और मोबाइल की बैटरी उठाकर कंपनी का चार्जर उठाकर अपने मोबाइल चार्जिंग करना शुरू कर देते हैं। जो कंपनी भी मोबाइल बनाती है तो वो उसका चार्जर उस मोबाइल के हिसाब से बनाती है कि इस मोबाइल को कितने वोल्टेज करंट मिलेगा तो ये अच्छी चार्जिंग करेगा और इस बैटरी के लिए कितना वोल्टेज करंट की ज़रूरत होती है। तो आपको सिर्फ और सिर्फ अपने ओरिजिनल चार्जर से चार्ज करना चाहिए और आपको किसी दूसरे मोबाइल की कंपनी का चार्जर या किसी दूसरे मोबाइल का चार्जर यूज़ नहीं करना चाहिए। और इस तरह आप बार बार अपने मोबाइल की रेस्टोरेंट ऐप को क्लोज करते हैं क्योंकि क्लोज करने से एक तो उस वक्त तो बैटरी बच जाती है लेकिन जब आप उन्हें दोबारा ओपन करते हैं तो वो काफ़ी बैटरी कंज्यूम करते हैं जिसकी वजह से आपकी बैटरी काफ़ी लो हो जाती है। तो इस बार बार ऐसा ना करें, ऐसा करने से परहेज करें क्योंकि इससे आपकी बैटरी को काफ़ी नुकसान होता है। क्योंकि अगर आप ऐप को क्लोज करके दोबारा उसे रीओपन करेंगे तो उसका तमाम सेटअप दोबारा शुरू से होगा जिसकी वजह से वो काफ़ी बैटरी आपकी कंज्यूम करेगा और इस तरह आपकी बैटरी तेज़ी से कम होने लग जाएगी और इस तरह आपकी बैटरी पर काफ़ी बुरा असर पड़ेगा और जिसकी वजह से आपकी बैटरी की लाइफ टाइम कम हो सकती है। इसका मतलब ये नहीं कि आपने अपने मोबाइल की रेस्टोरेंट ऐप को क्लोज नहीं करना। क्लोज आप जरूर करें लेकिन क्लोज कर उस वक्त करें जब आपको मोबाइल की किसी जरूरत ना हो लंबे टाइम के लिए, जैसे आप चार्जिंग पे लगाते हैं या वैसे मोबाइल को रख देते हैं तो उस वक्त आप अपने मोबाइल की रेस्टोरेंट ऐप को क्लोज कर दें। लेकिन अगर आप अपने मोबाइल के साथ काम कर रहे हैं तो उसी वक्त आप अपने मोबाइल की रेस्टोरेंट ऐप को क्लोज करेंगे तो इस तरह से काफ़ी यानी कि आपको नुकसान होगा क्योंकि ये बार बार आप ओपन होगी और बार बार ये बैटरी कंज्यूम करेगी। आप उस वक्त से रखें जब आपकी ज़रूरत ना हो मोबाइल पे। तमाम ऐप क्लोज करके आप चार्जिंग वगैरह पे रख के आराम से बैठ सकते हैं। मोबाइल की बैटरी की ख़त्म होने की एक बहुत बड़ी वजह ये भी है कि अगर आपका मोबाइल चार्जर ख़राब हो जाता है तो आप बाज़ार से कोई भी चार्जर सस्ते वाला परचेज़ कर लेते हैं जिनके साथ मुख्तलिफ किस्म की केबल वगैरह जो 40-50 रुपए की मिल जाती है उसे परचेज़ कर लेते हैं जो सही तरह से वोल्टेज आपके मोबाइल को नहीं दे सकती। लेकिन दोस्तों आप ऐसे वो चार्जर यूज़ ना करें क्योंकि वो बिल्कुल फेक होते हैं और उनमें बिल्कुल मुकम्मल वोल्टेज नहीं होती जिसकी वजह से कभी ज़्यादा भी होती है जिसकी वजह से आपकी बैटरी पर काफ़ी बुरा असर पड़ता है। तो आप बाज़ार से सस्ते वाले चार्जर परचेज़ ना करें। अगर आपका चार्जर ख़राब हो गया है तो आप अच्छा चार्जर परचेज़ करें क्योंकि आप अगर इतना महंगा मोबाइल रख सकते हैं तो चार्जर भी बाय करना क्योंकि इतना बड़ा मसला नहीं है क्योंकि सस्ते चार्जर से आप अपने मोबाइल की लाइफ टाइम और बैटरी की लाइफ टाइम कम कर रहे हैं। मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़। दुआओं में याद रखिएगा।